गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला फशेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थर्ड डे है ऑफ माय डिटॉक्स डाइट प्लान का। दो दिन भी काफ़ी अच्छे से गुजरा, बट आज जो मेरी तबीयत है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। मुझे थोड़ा सा ठंडी ऐसा फील हो रहा है और मुझे गले में भी ना थोड़ा सा खराश जैसा लग रहा है, खांसी ऐसी लग रही है। और उसका रीज़न ये है कि अचानक से मौसम में हो गई है तब्दीली। मौसम हो गया सुहाना और ठंडा ठंडा कूल, प्लस में और मैं साथ में अपने कुछ फ्रूट्स ले रही थी, जैसे कि सिट्रस फ्रूट था, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जो मुझे कहीं ना कहीं ठंडा फील करवा रहा था। इसके अलावा मैं जैसे सैलड ले रही थी, वो भी उसमें ककड़ी वगैरह आ रही थी, जो मुझे चारों तरफ से जो ठंडा फील होने लगा। देन उसके बाद में मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया, तो आज थोड़ा गला ख़राब है, सर्दी ऐसा है तो ठीक है। बट जो मेरे दो दिन गुजरे काफ़ी अच्छे गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है। तो जो लोगों ने मेरे दोनों वीडियो नहीं देखे, फर्स्ट एंड सेकंड देखे, तो सिंपली आप मेरे चैनल में जाएं, मेरा प्लेलिस्ट में एक प्रॉपर 5 डे डिटॉक्स प्लान का मैंने बना के रखा है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये है मेरा थर्ड डे और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, रोल ऑन। मेरा फर्स्ट ड्रिंक था जो मैंने ली थी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने दो वीडियो में कहा है कि फर्स्ट ड्रिंक लेने से पहले ज़रूरी है कि आप लॉट्स ऑफ वाटर लें या फिर हाफ लीटर पानी पिए। और जैसा कि आज मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा था, मॉर्निंग में उठते ही तो मुझे थोड़ा वार्म जैसा कुछ चाहिए था, तो मैंने पानी पी। एक घंटे के बाद जो मेरा फर्स्ट ड्रिंक था, उस वाटर को मैंने थोड़े से ज़्यादा मैंने उसे कर दी थी गर्म, ताकि मुझे पीने में अच्छा लगे। और मैंने ली थी हाफ लेमन को, मैंने क्विज किया था कुछ ड्रॉप के साथ। मैं ज़्यादा लेमन नहीं लेना चाहती ताकि मेरा गला और ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे आप लोग से बात भी तो करनी है ना, गले ख़राब में ऐसी आवाज़ मेरी आपको समझ में आएगी। तो थोड़ा सा लेमन मैंने क्विज की और मैंने वो गर्म गर्म पानी पी। मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट ड्रिंक था ये जो मैंने ली हूँ। तो आप लोग पहले देख ले, उसके बाद में हम टर्न करेंगे हमारे ब्रेकफास्ट की तरफ। मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट में ली हूँ स्मूथी, जैसे कि कॉफ़ी और बनाना स्मूथी, बट मैंने जो बनाना यूज़ की वो मैंने हाफ यूज़ की उसके अंदर स्मूथी है। और साथ में स्वीटनेस के लिए मैंने डाली हूँ इसके अंदर डेट्स, 3 डेट्स डाली हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स साथ में ली थी खाने के लिए, लाइक काजू, बादाम, एप्रिकॉट और एक अंजीर, ये ऐसे करके एक ड्राई फ्रूट का मैंने बनाई थी। तो ये ड्राई फ्रूट और कॉफ़ी मैंने कंज्यूम की, यानी एक हैवी सा मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया, जिसके लिए मैंने जो मेरा मिड ब्रेकफास्ट है मैंने उसे कर दिया स्किप, क्योंकि इतने हैवी खाने के बाद हम कैसे हमारा मिड ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट, आप देख ले, फिर हम टर्न करेंगे हमारे लंच की तरफ।
लंच में ऐसा हुआ था ना कि मैंने तो बनाई थी लौकी की रोटी। ये जो मैंने सेत्विक मूवमेंट का जो मैंने चैनल देखा था उसमें वो लोग ने बताए थे कि हम लौकी की रोटी बना सकते हैं, और मैंने वही वैसे ही रोटी ट्राई की थी। अगर आप लोगों को नहीं पता था, आप लोगों को मेरा सेकेंड डे का सिर्फ वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें सेत्विक मूवमेंट का मैंने ट्राई करी थी रोटी जो थी बीट रूट की। तो उसमें बताया गया था कि आप लौकी की रोटी बना सकते हो, खीरे की रोटी बना सकते हो, आप दूसरी किसी भी वेजिटेबल की रोटी बना सकते हो। तो मैंने ट्राई करी थी लौकी की रोटी, उसके साथ में आलू एंड मटर की सब्जी। असम बहुत अच्छा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे थोड़ा ऑफिस का वर्क था, तो मैंने ये सोची कि मैं एक टाइम पे ही आटा जो डव है वो बना लूँ, ताकि मेरा जो आफ्टरनून का लंच और मेरा डिनर दोनों सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैं बहुत ही फर्स्ट्रेट थी। तो मैंने दोपहर का लंच और रात का डिनर मैंने सेम रखा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने लौकी की रोटी, लौकी मतलब दूधी, जिसको पता है दूधिया कहते हैं, और हम मुस्लिम लोग ज़्यादातर इसे दाल गोश्त वगैरह में डालते हैं, तो उन्हें इजीली पता होगा, लेकिन मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो उसकी रोटी बनाई थी, प्लस मैंने सब्जी बनाई थी आलू मटर की, और दोपहर का लंच और रात का डिनर मेरा सेम था। तो हम देखिए रेसिपी, फिर हम बढ़ते हमारे इवनिंग स्नैक की तरफ।
इवनिंग स्नैक में मैंने ली थी फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स में मेरा थोड़ा सा मिक्स वाला फ्रूट था, लाइक मैंने इसमें ली थी पाइनएप्पल, ऑरेंज और पियर, पपाया, मैंगो। मैंने ये पांच फ्रूट को की थी कंबाइन और एक अच्छा वाला मैंने इसको मेरा जो स्नैक होता है इवनिंग का वो बना ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी और मुझे कुछ चाहिए था, मतलब थोड़ा स्वीट जो मुझे क्रैविंग्स हो रही थी। तो मैंने एक मिक्स फ्रूट का सैलड बनाई और मैंने वो कंज्यूम की। आप वो देख ले, फिर हम टर्न करेंगे हमारे बेड नाइट टी की तरफ, जो हमारा लास्ट टी रहेगा हमारे थर्ड डे का। हमारा टी का टाइम, यानी हमारा बेड टाइम टी। तो मैंने यहाँ ली हूँ कैम्ब्रिज ब्रिज की कैमोमाइल टी, बहुत ही सूथिंग थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डार्क बना दी थी। मतलब मुझे जो ग्रीन टी होती है या ग्रीन कॉफी होती है, मुझे वो लाइट हो लगती है, यानी अगर उसमें ज़्यादा ग्रीन टी पड़ गई तो मुझसे वो पी नहीं जाती, मुझे अजीब सा फील होता है। तो इसके साथ वैसा ही हुआ, ये थोड़ी सी ना एकदम हार्ड है, तो इसको हम कम से कम कंज्यूम करना चाहिए, जो हम उसमें पाउडर डालते हैं या जो उसकी लीफ डालते हैं। तो ये चीज़ हुई, थोड़ा सा वो हार्ड हो गया, बट मैंने उसे पी ली, अच्छी थी। बस नेक्स्ट टाइम इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इसे हाफ टीस्पून ही एक कप में डालना पड़ेगा, तो ये मेरे हिसाब से प्रॉपर बनेगी। तो ये था हमारा नाइट टाइम का ड्रिंक, आप देख लें, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट से बताना। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम मिलते हैं कल नए वीडियो में। मैं थोड़ा सा गागल कर लूँ, थोड़ा सा मैं गर्म गर्म में से लेट जाऊँ, ताकि मैं मॉर्निंग में फ्रेश फील करूँ और मेरी तबीयत ख़राब ना हो। और मौसम तो काफ़ी चेंजिंग है, बारिश होने लगी है, वो भी मई के आधे इसमें ही। सो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।